दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 1 नवंबर का दिन है और मैं हर की पैड़ी के पास आ चुका हूँ। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आपको जल ही जल देखने को मिल रहा होगा। एक दिन पहले यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे थे, आज जल ही जल दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। ये जो दृश्य है ना, बहुत सुकून देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पत्थरों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। हम तो चाहते हैं कि गंगा जल की धारा लगातार यहाँ से चलती रहे। आप सभी यहाँ से दर्शन करें। अभी हर की पैड़ी के मुख्य घाट में हम आपको ले चलेंगे, वहाँ से दर्शन कराएंगे। जब तक आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए हाईवे दिख रहा है, हरिद्वार दिल्ली हाईवे, या हम कह सकते हैं हरिद्वार देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे। इस तरफ के व्यू देखिए और गंगा जल की धारा देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है इन दृश्यों को देखकर, और कितना ज़्यादा जल जो है सभी धारा में आ चुका है। मैं आपको लेकर हर की पैड़ी के सबसे मुख्य घाट की ओर चलता हूँ और वहाँ से दर्शन कराता हूँ। वीडियो को शेयर कर देना, सभी लोग शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि सभी को ये जानकारी मिल जाए कि हर की पैड़ी में 31 अक्टूबर को ही पूरा जल आ गया था, ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि कल कब जल आएगा, तो उनको जानकारी मिल जानी चाहिए। और आज जो है ना, हर की पैड़ी में काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचे हैं, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये है हर की पैड़ी, कह सकते हैं उत्तराखंड का सबसे फेमस प्लेस है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का सबसे फेमस प्लेस है हर की पैड़ी, जहाँ पर लोग पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। दर्शन करें सभी लोग। देखिए इस तरफ के व्यू देखिए आप लोग, इस तरफ के व्यू कितने अच्छे हैं। जय माँ गंगे। माँ गंगे की एक सुंदर प्रतिमा आपके सामने है। अब हम आपको मालवी घाट और महिला घाट की ओर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ से दर्शन करें आप लोग। जो दृश्य आपको अच्छे लगते हैं आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। ये मालवी घाट है और सामने है महिला घाट। दोनों घाट के मध्य में गंगा जल की धारा, आप सभी दर्शन करते जाएं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर ब्रह्मकुंड घाट में हम पहुंच जाएंगे। देखिए ये खुशी देखिए, जब लोग गंगा जल में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, खुशी अपने आप ही निकलती है। देखते जाइए आप सभी लोग, जय गंगे माता, हर हर गंगे लिखेंगे। और ये सज्जन देखिए उल्टी धारा, धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इन दृश्यों को देखकर? आपका भी मन कर रहा होगा कि हम भी हरिद्वार पहुँचें और हर की पैड़ी में डुबकी लगाएं। आइए आपको हम ब्रह्मकुंड घाट की ओर ले चलते हैं और वहाँ से दर्शन कराएंगे। अगर आपने हमारा जो मेन चैनल है मुकेश हेल्प नाम से, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही खास खास वीडियो लेकर आते हैं। उत्तराखंड यात्रा की बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, उनकी जानकारी हम आपको उस चैनल के माध्यम से देते हैं। वहाँ पर सभी सिलेक्टेड वीडियो आती हैं। जैसे आप यहाँ पर लाइव दर्शन करते हैं,
वहाँ भी लाइव होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर आपके लिए ज़रूरी जानकारी वाली वीडियो आती है, तो आप लोग हमारा जो मुकेश हेल्प चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बहुत जल्द उसमें गंगोत्री धाम यात्रा की जो वीडियो है आना शुरू हो जाएगी। एक वीडियो आ भी चुकी है, बाकी वीडियो इसलिए नहीं आई थी, दिवाली का पर्व था और आप भी व्यस्त थे थोड़े और हम भी व्यस्त थे। सामने देखिए, ये है ब्रह्मकुंड घाट। ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य आप लोग देख रहे हैं। सबसे मुख्य घाट है हरिद्वार का ब्रह्मकुंड घाट, यहीं पर माँ गंगे की सबसे अच्छी आरती होती है। यहाँ पर आज शायद कोई आने वाला है, क्योंकि गंगा जी की प्रतिमा हम आज यहाँ पर देख रहे हैं। शाम को जब गंगा जी की आरती होती है उससे एक घंटे पहले प्रतिमा यहाँ पर डोली लाई जाती है, लेकिन अभी माँ गंगे की प्रतिमा यहाँ पर आ चुकी है, तो आई थिंक कोई आ रहा है और पूजा होगी। दर्शन करें सभी और जय गंगे माता लिखते जाइए प्लीज़। आपका कोई भी सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा से संबंधित, आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, हम आपको सभी जानकारी यात्रा की देंगे। अब मैं आपको गंगा जल के पास लेकर चलता हूँ, और देखिए कितना क्लियर जल आ चुका है, देखिए कितना क्लियर जल है। अगर यहाँ पर पत्थर होना, सीढ़ियाँ नज़र आ रही, देख लिए, इससे क्लियर हो जाएगा कितना अच्छा, बिल्कुल साफ अल्ट्रा क्लियर जल आ रहा है, पारदर्शी जल। आइए आपको हम नाई घाट की ओर ले चलते हैं और कुछ दृश्य नाई घाट के भी दिखाते हैं। नाई घाट में गंगा जी की लहरें जो हैं वो काफ़ी तेज़ देखने को मिलती हैं। एक बात का और ध्यान रखें, अब पूरा जल आ चुका है तो सावधानी से स्नान करें। पहले वाले दृश्य देखकर आप लोग बीच धारा में जाकर स्नान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जल का बहाव बहुत ही तेज़ होता है, इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। सेफ्टी के साथ रेलिंग के अंदर ही आप स्नान करें, रेलिंग के बाहर जाकर स्नान करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। ये देखिए नाई घाट के दृश्य, आपको मनसा देवी मंदिर भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मंदिर यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखिए ऊंचे पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर, दर्शन करें सभी लोग, लिखेंगे जय मनसा माता, जय माता दी, जय मनसा माता। कितना अच्छा लग रहा है, नाई घाट के पास ना गंगा जी की लहरें जब उठती हुई नज़र आती हैं, जब वेव बनता है ना, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन्हीं दृश्यों को देखने के लिए आंखें तरस रही थी, बहुत दिन 20 दिन का इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर भागीरथ सेतु देख सकते हैं, भागीरथ सेतु के सुंदर दृश्य। ये वाले दृश्य देखिए बड़ी धारा में, यहाँ भी काफी अच्छा लग रहा है। इस जगह आकर हमें काफी अच्छा लगता है। दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हर की पैड़ी में हमें बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, बीच में गंगा जल की धारा भी नजर आती है। आज की वीडियो को अब हम यहीं से समाप्त करेंगे और लगातार ऐसे ही हरिद्वार के लाइव दर्शन कराते रहेंगे। जो भी अपडेट है यात्रा की वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करना है सभी लोग। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।